उन्नाव में शुरू हो रहे हिंदुओं के आस्था के महापर्व शारदीय नवरात्रि से पूर्व व गांधी जयंती व पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर नरसेवा नारायण सेवा के संस्थापक विमल द्विवेदी के नेतृत्व में गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी नगर के मंदिरों के आसपास स्वच्छता अभियान चलाया गया व नगर के बड़े हनुमान मंदिर व दुर्गा मंदिर सहित नगर के मंदिरों को जाने वाले मार्गों में झाड़ू लगाने के बाद चूने का छिड़काव किया गया। विमल द्विवेदी ने मंदिरों के आसपास गंदगी व खुले में मांस बेचने वाली खुली दुकानों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि हम सब कई वर्षों से जिला प्रशासन से अनवरत मांग करते आ रहे हैं कि नगर में खुले में मांस बेचने वाली दुकानें व अवैध बूचड़ खानों को बंद कराया जाए, लेकिन इस पर जिला प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है और ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने मांग की कि धार्मिक स्थलों व शैक्षिक स्थानों के आसपास मांस मदिरा की दुकानें हटाई जानी चाहिए। कल से हिंदुओं के आस्था के महापर्व शारदीय नवरात्र व गांधी जयंती और पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म जयंती पर आज हम सब ने मंदिरों के आसपास स्वच्छता अभियान चलाया है और झाड़ू लगाने के पश्चात मंदिरों को जाने वाले मार्गों पर चूना आज जला के स्वच्छता का अभियान चलाया है। हम सब लगातार कई वर्षों से जिला प्रशासन से मांग करते आ रहे हैं कि खुले में मांस की दुकानें जो हैं वो अभी तक बंद नहीं की गई हैं, क्या कारण है इस पर जिला प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। धार्मिक स्थलों व शैक्षिक संस्थानों के आसपास मांस मदिरा की दुकानें भी हटाई जाना चाहिए, क्योंकि ये एक चिंता का विषय है जिससे छात्रों में भक्तों में असुरक्षा का भय व्याप्त रहता है। लगातार मदिरा पीने वाले लोग जो शैक्षिक संस्थानों के आसपास मदिरा की दुकानें हैं वो छात्रों व मंदिरों के आसपास दो दुकानें हैं कहीं ना कहीं वो छींटाकशी करते हैं। ये इससे भक्तों व छात्र छात्राओं में असुरक्षा व्याप्त होती है। इसको लेकर मैं जिला प्रशासन से मांग करना चाहता हूँ कि कल से नवरात्र शुरू होने वाले हैं, मंदिरों के आसपास व जनपद में जो भी नवरात्रि पे धार्मिक आयोजन होने वाले हैं उस पर सुरक्षा व स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें व मंदिरों के आसपास मांस मदिरा की जो दुकानें हैं उनको तत्काल हटाई जानी चाहिए। हम सब नरसेवा नारायण सेवा के द्वारा ये जिला प्रशासन और माननीय योगी जी से ये मांग करते हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।